जय श्री कृष्ण, श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। जैसे प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव रोज हमारे राधा रानी सरकार के बारे में विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं, सभी भक्तों को नए नए पद सुनाते हैं और महामंत्र बताते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, प्रणत कृष्णा साय गोविंदाय नमो नमः। श्री प्रेमानंद महाराज जी इतने पावरफुल मंत्र बताते हैं हम सभी भक्तों को, कहते हैं कितने भी बड़ी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा संकट हो, इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमेशा मुक्त हो जाता है व्यक्ति उस दुख से। आप देख रहे हैं परमात्मा से बड़ा कोई कुछ नहीं है संसार में, सबसे बड़ा परमात्मा और उनका नाम, जिस नाम को बड़े बड़े संतों ने जपा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जपा, महाभक्तों ने जपा, और दो अक्षरों का नाम है लेकिन कार्य कृपा बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। राधा रानी सरकार के चक्र स्वयं बाकी बिहारी वृंदावन के बाकी बिहारी लगे रहते हैं। स्वामिनी जी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपामयी हैं, उनकी कृपा का वर्णन हम कर सकें हमारी वाणी में वो दम नहीं। लेकिन परम ज्ञान गुरु वर को है प्रेमानंद महाराज जी सभी भक्तों को बहुत ललकार कर कहते हैं, इतनी जोर से इतने जोश में कोई भी बात कहते हैं भक्तों के लिए, महा ज्ञान देते हैं, राधा रानी के नाम तप पे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ये चीज़ महसूस की है, ये कृपा महसूस की है। सच में कृपा को तो वही महसूस कर सकता है जिस पे होई है। कहते हैं दर्द दिखाया नहीं जा सकता, महसूस करने का विषय है। हवा चलती है लेकिन उसका आकार नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन चलती है। वैसे ही परमात्मा की कृपा महसूस करना हम बस महसूस कर सकते हैं, ना कि उनको दिखा सकते। बहुत से कहते हैं भगवान कुछ नहीं होता, तो उनके लिए मंदिर में भी जाना बेकार है, क्योंकि मंदिर में भी भगवान नहीं दिखेगा। देखने वाले के लिए कड़कड़ में है, वरना मंदिर में भी नहीं है। माता पिता में ईश्वर समाए हैं, माता पिता की सेवा कर ली, समझ जो मंदिर भगवान की परमपिता परमात्मा की सेवा कर ली। कुछ ज़्यादा नहीं, केवल अपने माता पिता की सेवा करो और अपने कर्म अच्छा करो और अपने हर चीज़ का कर्तव्य पालन करते चलो, और भजन कीर्तन जिसको रुचि है वो भजन कीर्तन करें, जिसको बहुत ज़्यादा लगन है राधा रानी सरकार से या बाकी बिहारी जी से या फिर शंकर भगवान से या बालाजी से, जिसकी भावना, जिस भक्त की भावना जिनमें भी जागती हो, सर सभी ही एक हैं, लेकिन नाम जप करें अपने सच्चे हृदय से। जितना नाम जप करोगे, जितना नाम में बल होगा, कहते हैं ना भक्ति में है शक्ति, परमात्मा भक्त के लिए कुछ भी रूप धारण करके सहायता करने आ जाते हैं। यदि अगर भक्त को कोई सताए तो परमात्मा वही विकार रूप में बन जाते हैं। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जैसे एक माँ अपने पुत्र से दुलार करती है, वैसे ही परमात्मा हमसे भक्त से प्रेम करते हैं। राधा रानी श्री हरिवंश देख सकते हैं सभी भक्त सेवादार बहुत प्रेम भाव से बहुत सेवा करते हैं, गुरुवर का भी ध्यान रखते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं। महासंत पुरुष के सेवा सौभाग्य प्राप्त हुई इन सभी भक्तों को, और महाकीर्तन धुनि कीर्ताल के साथ करते हैं, बहुत आनंद आता है। और जब गुरुदेव भजन कीर्तन में बैठते हैं बहुत सरल बहुत मगन ध्यान लगाते हैं, नेत्र में अश्रु आ जाना पूजा करते समय, भागवत कथा सुनते समय या भजन करते समय, समझ लेना बहुत अच्छा और बहुत शुभ है। बहुत से कहते हैं ज्योत जलाते पे एक ज्योत में फूल आता है तो उसको भी अशुभ मानते हैं लोग, लेकिन नहीं, गलत है वो। फूल ज्योत में फूल आना अशुद्ध नहीं होता, बहुत शुभ है। ये सारे कुछ बातें ऐसी कुछ लोग भर देते हैं दिमाग में, लेकिन नहीं। पहली बात तो वो ज्योत तुम अपने भगवान के नाम से जला रहे हो तो वो भगवान की हुई, तुम्हारी सोच में वो पवित्र जगह पर जला रहे हो। गलत जगह जलाओगे तो कुछ हम उसका नहीं कह सकते, लेकिन मंदिर में कोई भी किया हुआ काम हमेशा अशुद्ध नहीं होता,
हमेशा शुद्ध होता है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा और परमात्मा का कार्य होता है वो। तो फूल जोत में फूल आना बहुत शुभ है, क्योंकि कुछ संदेश आते हैं वो और अच्छा होता है। और आँखों में आंसू आना पूजा के समय, समझ लेना बहुत ही अच्छा है। उसमें कोई बैम मत डालना दिमाग में, बहुत से ये सोच के कोई भी बोल देता है अच्छा नहीं है, तो वो पूजा पाठ से मन हट जाता है उनका। तो ऐसा नहीं करें, अपने परमात्मा पर विश्वास करते हो तो इन सब चीज़ों पर नहीं भटकोगे तुम। हमेशा नाम जप करें, और उन लोगों को नहीं कहूँगी जिसने कृपा महसूस करी है, क्योंकि जिसने कृपा महसूस करी है वो किसी कहने पर नहीं भटक सकता। और राधा रानी सरकार तो इतनी दयामयी है, इतनी कृपामयी है, अपने भक्तों को भटकने दे देंगी नहीं, क्योंकि जब उन वृंदावन में कदम रखता है भक्त तो उनकी इच्छा और उनकी कृपा होती है। वो वृंदावन में राधा रानी, वैसे तो हम दो बार गए हैं वृंदावन, लेकिन हमें पता है क्या पावर है, क्या शक्ति है, क्या कृपा है। इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं पर बता नहीं सकते, क्योंकि इतनी क्षमता ही नहीं है बताने के काबिल, क्योंकि राधा रानी की वो प्रेम भूमि है वृंदावन ब्रज। उस ब्रज की रज में लौटोगे तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। जो वृंदावन जाता है वो कभी वापस आने मन नहीं करता, उसका रोता रोता आता है उधर से, क्योंकि ऐसा लगता है हमारा बहुत समय से रिश्ता मिला और छूट रहा है। आप देख रहे हैं राधा रानी सरकार की इतनी कृपा है वहाँ पर। जो झोपड़ी में भी रहता है, रूखा सूखा खाता है, वो भी आनंद में है। और आजकल हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, दौलत बंगला गाड़ी होने के बाद भी तो भी बेचैन रहते हैं अंदर से, फिर भी आनंद नहीं होता, क्योंकि मन में बहुत सारी चंचलता रहती है। तो कहते हैं ना कि परमात्मा के बिना आत्मा अधूरी है, वैसे ही सब कुछ अपना परमपिता परमात्मा है। जब ये सुना है कि शास्त्रों में बोला किसी ने कि भगवान ने दुनिया को, इंसानों को सब कुछ दिया, हवा धरती पृथ्वी वायु सब दिया, सांस शरीर रोम रोम तकदीर किस्मत सब कुछ, लेकिन एक चीज़ छुपा ली थी भगवान ने पैर के नीचे। वो किसी ने पूछा क्या छुपाया, जो तुमने संसार को नहीं दिया कि शांति, मेरे चरणों में आके जो भी ऐसी शांति ढूंढने के लिए हर जगह भटकेगा, लेकिन इसको नहीं कहीं प्राप्त होगी, वो मेरे शरणागत में आएगा तभी इसको आनंद प्राप्त होगा। तो बाकी भैरव के चरणों में शांति है, और ये चीज़ को आप महसूस करोगे जब भी भजन करोगे, ये नाम जप करोगे, या फिर उनके लिए कोई कार्य करोगे, या उनके चरणों में आप सिर झुकाओगे पकड़ के, आँखों में आंसू आ जाएँ, तो समझ लेना परम शांति वही है। और हमारे बाकी बिहारी हमारे बहुत ज़्यादा हमारे आसपास निकट है। तो प्रेमानंद महाराज जी का परम ज्ञान है ये, बहुत ही श्लोक अच्छे अच्छे सुनाते हैं, महामंत्र बताते हैं सभी शिष्यों को, क्योंकि गुरु का धर्म है परमात्मा से मिलना कराना, परमात्मा के मार्ग पे चलाना, परमात्मा का मार्गदर्शन करना। लेकिन सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा है प्रेम, प्रेम के आगे सब कुछ धरा रह जाता है। मीराबाई के प्रेम के आगे सब कुछ, उनके हर कोई हैरान हुआ था, प्रहलाद जी का, जैसे कि इन सब महान भक्तों का प्रेम के आगे हम तुच्छ भी कुछ भी नहीं हैं। तो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, राधा रानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं, और गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।